अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पाए, और ये देखें हमने पाए उबाल लिए हैं। इसे हमने काफ़ी टाइम के लिए ढेर सारा पानी डाल के और चढ़ा दिया था, और ये है इसका बचा हुआ पानी यानी कि यखनी। मैंने लहसुन अदरक जो इसमें डाला था साथ चढ़ा दिया था। अब ये यखनी जो रह गई है इसमें से छान लिया है, अब मैं इसे पीस लूँगी। ये मैंने प्याज काट ली है, इसे हम ब्राउन करेंगे और बहुत मज़े के पाए बनाएंगे। उसके अलावा हम इसमें पाया मसाला भी डालेंगे और थोड़ा सा घर का मसाला भी ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े के बनेंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें लहसुन प्याज जो मैंने इसमें डाला था उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये जो प्याज काट के रखी थी अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए मैंने प्याज ब्राउन की थी, उसमें जो लहसुन और प्याज मैंने पीसा था वो इसमें मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है और ज़रा सा हल्दी पाउडर। बाकी हम बड़ा मसाला इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला भुन गया, मैंने जो पाए निकाल के अलग रख दिए थे वो बनने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिया। मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मसाला भुन जाएगा तो ये हमने एक पाव दही लिया है और इसे फेंट लिया है, और इसको पायों में शामिल कर देंगे, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। ये भुन गया है, मैं इसमें दही शामिल कर दूँ। ये देखिए ये बन चुका है। अब मैंने ये यखनी अलग रखी थी, ये दाल को भूनने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें यखनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, ये अब शुरू के तौर पर अभी ये पकेगी और उसके बाद फिर हम इसे खाएंगे। मज़े से आप भी हमारे साथ खाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें ये पकना शुरू हो गया है, इतने में ये पक के तैयार होता है। इतने हम इसकी गार्निश का सामान तैयार कर लेते हैं। ये देखें गार्निश के लिए मैंने पुदीना घर से ही लिया है, घर में रहा है, ऐसे धो लिया है, और ये अदरक के इसे भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा हरी मिर्चे हैं काट लिया है, और गरम मसाला पाउडर है, ये हम ऊपर से खाए सर्व करते हुए डालेंगे, और इससे टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है, जायका आ जाता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी हमारे पाए तकरीबन तैयार हो चुके हैं। जो हमने यखनी बचाई थी इसको हम इतना कम कर लेंगे कि पायों से ऊपर कुछ ऊपर रह सके, बाकी खुश्क हो जाए पक पक के, और इस वजह से पाए भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे, कल भी जाएंगे अगर कोई कसर रह गई हुई तो। ये हमने ऊपर से तार उतार ली थी यानी ऑयल भूनते हुए मसाला, ये हम ऊपर से सर्व करेंगे। ये देखें हमारे पाए तैयार हो चुके हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं, और ये आपकी टांगों की तकलीफ़, जिनके टांगों में दर्द रहता है उनके लिए पाए खाना बहुत अच्छा है। वैसे भी पाए बहुत मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और ताकतवर भी होते हैं, इससे ताकत मिलती है टांगों को पांवों को, तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे पाए तो तैयार हो गए हैं, आइए आप भी हमारे साथ नोश फरमाइए। ये देखें अब हम इस पर तार डाल रहे हैं
यानी रोगन, इससे खाने की शक्ल और भी ज़्यादा निकल आती है और देखने में भी टेस्ट के साथ साथ देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से आप पुदीना और अदरक जो मैंने काटी थी और साबुत मिर्चें हरी, वो इसके ऊपर गार्निश कर लें और गरम मसाला पाउडर डालें और गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व करें। खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, अपने दस्तरखान को वसी कीजिए। दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।